नहीं 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 सबर करे सबर करे, लेकिन ये आखिरी ओवर में जो कसाई पुना किया जनाब शेफर्ड ने, और शेफर्ड जनाब बन गए बुचर, तो उन्होंने आखिरी ओवर में जो 32 रन ठोके नोकिया को, ये नोकिया तो भाई दूसरी टीमों के लिए खेल रहा है, ये दिल्ली कैपिटल को कुछ सोचना पड़ेगा भाई। दुनिया में जब मतलब लोग मम्मी पापा बनते हैं तो और भी खुश होकर आते हैं और भी अच्छे अच्छे काम करते हैं, ये जनाब जब से पापा बन गया ये तो कुटी खाई जा रहा है, पता नहीं क्या मतलब मसला है इसके साथ। आज 10 लड़के जीतने के लिए खेल रहे थे, एक लड़का अभी भी अपनी पुरानी गेम खेल रहा था। मुंबई इंडियंस की शानदार किस्म की जीत, मुबारकबाद हो मुंबई इंडियंस को, फाइनली फाइनली इन्होंने जो हार की रवायत को कामयाब किया हुआ था, लेके चल रहे थे उस लेगेसी को तोड़ा गया, और वो भी इनके कैप्टन ने नहीं, इनके प्लेयर्स ने खुद, इनको कुछ हुआ कि नहीं हमने जीतना किसी तरीके से जीतना। और मैरियो शेफर्ड को सारा क्रेडिट जाएगा, जो उस बंदे ने अगर वो आखिरी ओवर के अंदर 32 रन ना मारता, अगर वो रन के ऊपर ऐसी बल्लेबाजी ना करता तो ये मैच तो दिल्ली ने जीत जाना था। फाइनली जैसा मैंने कहा था कि मुझे लग रहा था कि अब जो है मुंबई इंडियंस की थोड़ी सी किस्मत चेंज होना शुरू होगी, और वो पहला मैच अपना जीत गया IPL का 3 मैच हारने के बाद, रन पर रन बने भाई, छक्कों पे छक्के चौकों पे चौके, और ये मतलब IPL में ये कमाल हो रहा है कि 200 बन रहे हैं तो 200 पे 200 भी हो रहे हैं। आज भी यही हुआ, आज मुंबई इंडियंस ने 234 के लिए 235 का टारगेट था दिल्ली कैपिटल्स का, और दिल्ली कैपिटल्स इवेंचुअली लॉस्ट बाय 29 रन। शर्मा जी जैसा हो, रोहित नहीं रिस्पेक्ट ना, शर्मा जी जैसा हो बल्लेबाजी करनी हो तो शर्मा जी से करनी हो, इतने जबरदस्त कहले बैट्समैन के स्टूडेंट रह चुके हैं रोहित शर्मा MS धोनी के, जो उनकी छतर छाया में हैं, आपको लगता है कि वो कभी आपको मायूस कर सकते हैं? नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लेटेस्ट वीडियो पे रिएक्ट करने वाले हैं, जिसमें IPL 2024 के मैच मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स के बीच हुआ था। चलिए शुरू करते हैं। वाओ, ये देखकर लग रहा है कि पाकिस्तान मीडिया को मुंबई इंडियंस के जीत ने सच में सरप्राइज किया है, और बिल्कुल सही भी है। मुंबई इंडियंस की पहली जीत सीजन में दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ में एक शानदार लम्हा था, देखकर दिल खुश हो गया। पाकिस्तानी क्रिकेट एक्सपर्ट्स की इंसाइट्स और एनालिसिस सुनकर उनका नजरिया हमेशा एक अलग रोशनी डालता है। मैच के बाद की एनालिसिस बहुत डिटेल्ड लग रही है, साफ है कि ये मैच खिलाड़ियों और फैंस दोनों पर गहरा असर छोड़ गया। 32 रन आखिरी ओवर में, 10 गेंदों में 39 रन, शेफर्ड रोमारियो शेफर्ड, तो he is absolutely beast, we know it, और आज उसको unleash इन्होंने किया, थोड़ा लेट ही किया, courtesy to जनाब हार्दिक पांड्या, टुक टुकिया पांड्या साहब, 39 रन किए उन्होंने 33 गेंदों पे, ये 10 गेंदों पे 39 करके चला गया, है कोई comparison, कोई है कोई मुकाबला, मतलब 10 गेंदों पे 39, यहाँ पे ये करके जा रहा है, वो 33 गेंदों पे 39, तो हार्दिक पांड्या ने बड़ी कोशिश की कि किसी ना किसी तरीके से हम इनिंग को जनाब बस एट पार टोटल या उसके आसपास ही रोक सकें, और आधी इनिंग में वो तो इसी पे ही मतलब ऐसे हवा में मुक्के लहराता रहा कि जब दूसरे एंड वाला कोई छक्का मार रहा है, और ये टारगेट इतना होना था, ये टारगेट मैक्सिमम 205-210 का होना था, और दिल्ली ने बड़े आराम से कट जाना था, लेकिन सारा का सारा जो डिफरेंस था ना, वो रोमेरियो शेफर्ड के जो बल्लेबाजी से आया ना, जिसने शॉक करके रख दिया। हालांकि हमने देखा भाई बल्लेबाजी करता होता है, बड़ी शानदार किस्म की बल्लेबाजी करता होता है, लेकिन ये नहीं सोचा था कि ये इस पॉइंट के ऊपर आके इस तरह की बल्लेबाजी कर सकता है। 32 रन आखिरी ओवर में आना ये कोई आसान चीज नहीं होती, बड़ी खतरनाक चीज होती है, और ये इस लड़के ने करके दिखाया, 4 छक्के मारे और यही डिफरेंस बना। स्टार्ट अच्छा मिला था, दिल्ली मैच के अंदर थी, दिल्ली मैच के अंदर इन भी थी, ऐसा लग रहा था दिल्ली और कड़ी लेके जा सकती है, लेकिन वो जो कहता है ना फाइनल टच, वो जो रोमेरियो शेफर्ड वाला जो काम था ना आखिरी ओवर में, 32 से पिछले ओवर के अंदर 19 मारा मुंबई इंडियंस ने, वो जो आखिरी दो ओवर के अंदर उन्होंने 51 रन मारे ना, ये था रियल डिफरेंस। मुंबई इंडियंस अगर आप जीता है भाई, तो ये मैं आपको बता दूं कि सिर्फ और सिर्फ जो है इस वजह से जीता है क्योंकि जसप्रीत बुमराह फाइनली केम थ्रू फॉर मतलब मुंबई इंडियंस टुडे, और आज पहली दफ़ा उसने IPL में बहुत आला बॉलिंग की, उसी के जो 4 ओवर थे ना उसने मतलब बैक ब्रेक कर दिया दिल्ली कैपिटल्स का। लेकिन दिल्ली कैपिटल्स की यार मुझे अप्रोच समझ में नहीं आई भाई साहब, सीधी बात है, मतलब जिस तरह पृथ्वी शॉ शुरू हुआ है, मतलब वो बाद में तो उन्होंने रन किए, लेकिन शुरू में जो मेन पावर प्ले होता है उसमें तो कुछ भी नहीं, 3 ओवर में 15 रन कर रहे हैं यार, एक उन्होंने सेकंड गेंद पे छक्का मारा कॉटजी को, उसके बाद जो है वो पूरे ओवर में 1 रन, उसके बाद यानी ये वार्नर भी कुछ नहीं कर रहे हैं, वो भी कुछ नहीं कर रहे हैं, यानी सीधी सीधी गेंद यूँ खेल रहे हैं वो, 3 ओवर 15 रन कर रहे हैं, मतलब पावर प्ले में हार्डली 40 रन कुछ हुए, तो भाई फिर कहाँ से आप चेस करोगे यार, मुझे बताओ। क्या 200 पे भी दिल्ली गेम में था, लेकिन वैसे आपस की बात है, 75 रन का पावर प्ले हो, 75 रन पावर प्ले, और 7वें ओवर में 80 पे पहली विकेट गिर जाए, रोहित द हिटमैन शर्मा आउट हो, उसके बाद आते साथ ही 2 बॉलें ली स्काई ने, वो भी चल पड़ा। अब मुझे समझ नहीं आई हार्दिक पांड्या आज ऊपर लेने के आया, जब तिलक वर्मा आपके पास मौजूद है, देखिए ना, या तो आपके पास तिलक ना हो फिर चले समय, तिलक वर्मा आपने कितनी दफा देखा है कि वो नीचे आएगा और वो जो है वो रिंकू सिंह बन जाएगा, नहीं बन सकता ना। बहरहाल कोई बंदा बात नहीं करता फॉरनर्स पे, एक्चुअली द फैक्ट ऑफ द मैटर इज मिस्टर रिजवान हैदर कि रिकी पॉन्टिंग इज अ सुपर फ्लॉप विद दिल्ली कैपिटल सिंस लॉन्ग। इसकी जो टीम सिलेक्शन होती है, माजरत खाना होती है,
बिल्कुल थर्ड क्लास आना होती है, ऑस्ट्रेलियंस पैक्ड हो जाते हैं। इसके बाद और कुछ चेंजिंग नजर आई जिसकी बेस के ऊपर आज हमने देखा रोहित शर्मा ने भी छक्के चौके के साथ 49 स्कोर किया। उसके बाद अगर बात की जाए ईशान किशन की 42 और आई थिंक सो 43। उसके बाद एक सूर्य कुमार यादव के लिए कहने के हार्ड लग थी जो नहीं चल पाया, वो इंजरी से वापस ही थोड़ा बहुत चलता है उनके लिए, थोड़ा सा रिलीफ उनको मिल गया। उसके बाद ऊपर से जी एक्स्ट्राऑर्डिनरी किस्म की बैटिंग बाय नन अदर देन रोहित शर्मा, फॉर्मर कैप्टन ऑफ मुंबई इंडियन, करंट कैप्टन ऑफ इंडिया, तो बहुत ही बेहतरीन 200 के टारगेट वाली इनिंग बारी खेली है, 200 के वाली, तो दो तीन गेंदें अक्षर पटेल की और फिर आउट भी हो गया, वरना 24/49 तो 200 के टारगेट से फेंटी लग रही थी। He is amazing when he is in flow, तो फिर देखने का भी मजा आता है। 10 में 10 थे रोहित शर्मा के, 10 में 10 थे। अगली बार की बात करें, अगली 16 बालों में उसने 39 रन किए भाईजान, ये है रोहित शर्मा का। हाँ, 14 गेंदों में 39, तो वो ऐसा लग रहा था हर गेंद ही चौका छक्का। ईशान किशन मतलब अच्छा था, 6-7 ओवरों में 80 रन और क्या चाहिए। फिर यहाँ पे आके क्या हुआ, यहाँ पे आके जो दिल्ली थी वो रह गई, हालांकि दिल्ली के पास विकेट्स भी थे लेकिन एंड के ऊपर उन्होंने ऐसे विकेट्स को गवाया। लेकिन फिर भी अगर आप कहें तो एक बंदा ऐसा था जो दिल्ली की तरफ से खेलना चाह रहा था, जो चाह रहा था कि मुंबई इंडियंस आज भी ना जीते, वो है हार्दिक पांड्या। खेले, रन भी किए, 30+ रन किए, लेकिन अगर आप बॉल देखेंगे तो आप कहेंगे व्हाट इज दिस, जहां पे हर बंदे का स्ट्राइक रेट, रोहित शर्मा का स्ट्राइक रेट आप देखें क्या शानदार किस्म की बल्लेबाजी की, ईशान किशन का स्ट्राइक रेट आप देखें क्या शानदार किस्म की बल्लेबाजी की, टिम डेविड को देखें, चले सूर्य कुमार यादव का आज कमबैक 7-7 आउट होगा, तिलक वर्मा जैसा कहता है ना 7-7 आउट हो गए, बाकी लड़कों ने परफॉर्मेंस करके दिखाई, मैरियो शेफर्ड को देखें और हार्दिक पांड्या ने खुद क्या किया। हार्दिक पांड्या मुझे नहीं समझ में आ रही कि वो कौन से हार्दिक पांड्या बन गए, लोग विराट कोहली को क्रिटिसाइज करते हैं, विराट कोहली स्लो खेलता है, इधर तो देखो जरा, इधर तो नजर फैलाओ जरा, इन्होंने भी कसम नहीं छोड़ी थी मुंबई को हराने की, लेकिन अच्छा हुआ मुंबई इंडियंस जीती, बड़ी टीम है, बड़े मैचेस की टीम है, उनका जीतना जरूरी था, ये जीतेगा तो और खतरनाक होकर मुंबई का फॉर्म के अंदर आना बड़ा ज्यादा जरूरी था। मतलब कोई सेंस नहीं बना, दिल्ली आगे थी मतलब मुंबई इंडियंस से, लेकिन आई डोंट नो यार, अजीब ही टाइप का मे बी जो इतनी मार पड़ी है उनको, खास करके जो लास्ट ओवर में, यार आपको जब पता है कि एंड्रे नॉर्जे की फॉर्म नहीं है मतलब इस आईपीएल में, वो इंजरी से रिकवर करके आ रहा है, वो हर लास्ट ओवर में मार खा रहा है, उसको क्या जरूरत थी भाई आपको लास्ट ओवर देने की। जब आपने देखा है नोकिया ने पिछले मैच में भी एक ओवर में 25 रन दिए, खैर से 25 रन, आपने फिर उसका आखिरी ओवर रखा तो 32 हो गए। व्हाट इज रॉन्ग विद नोकिया, वी नो दैट ही इज अ गुड बॉलर। देखें बात यह है, सामने देखिए स्ट्राइक टू अंडरस्टैंड, सामने डेविड या शेफर्ड होंगे, वो नोकिया को इज्जत देंगे नहीं देंगे ना। गैरन कोर्दिया की जो विकेट मिली, खैर उनको विकेट तो मिल गई, आखिरी ओवर जो उन्होंने किया था, एंड के वो विकेट भी लेके चले गए, लेकिन नॉर्मल थे। मैं समझता हूँ ये मैच का जो असल डिफरेंस आना वो सिर्फ और सिर्फ वो आखिरी ओवर में 32 रन थे और सेकंड लास्ट के अंदर 19, वो जो 51 रन लास्ट 12 बॉल के वो पड़े ना मुंबई इंडियंस ने जो मारे हैं दिल्ली वहां। तो ये था एक बहुत ही इंटरेस्टिंग अनुभव, क्रिकेट हमेशा से फैंस और मीडिया को एक साथ लाता है। आपको पाकिस्तान मीडिया का रिएक्शन कैसे लगा कमेंट्स में जरूर बताएं, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। For more reaction and cricket updates, until next time, ध्यान रखिए।